नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज अपन देख रहे हैं एंजल के नियम का पार्ट नंबर 2। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत इम्पोर्टेंट घंटी का बटन दबा दीजिएगा। आज अपन देख रहे हैं बजट में एंजल का नियम का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि व्यय की मद। व्यय की मद को अपन ने तीन सारी मद देखी थी, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, चिकित्सा है, शिक्षा है, मनोरंजन है, ईंधन प्रकाश है। इन सभी पे क्या हो रहा था, प्रतिशत के अकॉर्डिंग खर्च हो रहा था। तो एंजल का नियम क्या बोलता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एंजल बोलता है कि आय में वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय में कमी आती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है, भोजन पे होने वाले व्यय में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मतलब व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग जो कि उच्च वर्ग का है, तो वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे व्यक्ति का बहुत अधिक भाग जो है वो भोजन पे खर्च ना हो करके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन पर खर्च हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। आय में वृद्धि के साथ जैसे ही आय बढ़ रही है, भोजन पर होने वाले व्यय में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो नियम नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दे करके जाता है। दूसरा नियम बोलता है मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है। तो आप देख सकते हैं वस्त्र और आवास पे दोनों पर होने वाले व्यय का जो प्रतिशत है, चाहे वो व्यक्ति निम्न हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, दोनों का प्रतिशत क्या रहता है, उसका जो अनुपात है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, फिक्स रहता है। तीसरी बात ये बोलता है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय का अनुपात में वृद्धि होती है। तो ये आपको बोलना चाहता है सिद्धांत कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति अपने परिवार को शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या मनोरंजन हो, इन सभी पर हर भली भांति तरीके से खर्च करना चाहता है। ठीक है, तो क्या होता है उसका जो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय करना। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। क्या होता है प्यारे बच्चों, खर्च करना। अब जो खर्चे होते हैं, अब व्यक्ति की आय बढ़ गई तो भाई पैसा हो गया। अब जब पैसा आ गया तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी आय का बहुत अधिक भाग किस पे खर्च कर रहा है, वो व्यक्ति वो अब खर्च कर रहा है प्यारे बच्चों शिक्षा पर। आप देख सकते हैं कि एक उच्च आय वर्ग का व्यक्ति शिक्षा पर अपनी आय का अधिक प्रतिशत भाग खर्च कर रहा है। वहीं पे अपन देखते हैं मध्यम वर्ग का व्यक्ति 10% कर रहा है और निम्न आय वर्ग का व्यक्ति 5% भाग खर्च कर रहा है। यहाँ पे आगे बात समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एक बार इसको कॉपी पे लिख लेना। अब मैंने कुछ और कंटेंट देखा है, वो मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। पहली बात ये होती है कि आय में वृद्धि के साथ, इस नियम के अनुसार अपन ने देखा कि आय में वृद्धि के साथ भोजन के अनुपात में, और ये सब तो अपन ने समझ ही लिया। साथ ही साथ में अपन ने देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाएगी, वो भोजन पे तो कम खर्च कर रहा है और वो काय पे खर्च अधिक कर रहा है, वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और मनोरंजन पे अधिक खर्च कर रहा है। ठीक है, अब मैंने एक मांग का नियम के तहत कुछ कंटेंट देखा है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहली बात ये है कि कुछ इसकी सीमाएं है, इस नियम की कुछ सीमाएं हैं जो कि फिक्स है। ठीक है, पहली बात ये होती है कि व्यक्ति की आय स्थिर रहनी चाहिए, तब ये नियम मांग के नियम से भी सिमिलर होता है। ये बात आप समझिए, एंजल का नियम मांग के नियम से सिमिलर है। मैंने कंटेंट देखा और फिर मैंने ये पता किया। ठीक है, तो उसके तहत क्या हुआ, पहली बात तो ये हो गई कि व्यक्ति की जो ये नियम तब लागू होगा जब जब व्यक्ति की आय स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है, इनकम क्या है, एकदम फिक्स रहनी चाहिए, स्थिर वाली कंडीशंस में होनी चाहिए, तब ये नियम लागू होता है। ठीक है, दूसरी बात होती है उसके स्वभाव में, रुचि में, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ना तो स्वभाव बदलना चाहिए, ना फैशन बदलना चाहिए, ना रुचि बदलनी चाहिए, तब ये नियम कारगर होता है। और तीसरी बात होती है, वस्तुओं की कीमत भी स्थिर रहना चाहिए, तब ये नियम अप्लाई होता है, क्योंकि मांग के नियम से सिमिलर है। इस तरीके का कंटेंट मिला है, ठीक है। और चौथी बात ये होती है, कोई नई वस्तु जो है को स्थापन की खोज, स्थानापन्न वस्तु की खोज नहीं होनी चाहिए, मतलब आप कुछ नई चीज इसमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। वैसे एंजल का सीधा सा नियम आप इसको समझ लीजिए कि आय में वृद्धि के साथ जैसे इनकम बढ़ेगी, भोजन पर होने वाले व्यय में क्या हो जाएगी, कमी आ जाती है, ये अपन को समझ में आई गई। दूसरी बात, मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है, वो भी अपने बात समझ में आ गई, 18 और 12। और तीसरी बात है, शिक्षा स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में क्या हो जाती है, शिक्षा स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में आय के साथ जैसे इनकम बढ़ती है, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग क्या आप देखें अपन व्यय क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये था बहुत अच्छा सा एंजल का नियम, भाग नंबर 2 मैंने बनाया है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ाई करिए, याद करिए, कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।